नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं मेरी टीवी भारत। बच्चों के सही विकास के लिए उन्हें हर तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। हर माँ यही चाहती है कि उनका बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे और उसका विकास सही तरीके से हो। हम तबियत पानी में आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो उनकी डाइट में शामिल करके आप पूरी तरह से चिंता मुक्त हो सकती हैं। कई रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि ओट मिल्क खाने वाले बच्चे पढ़ाई में अच्छे तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, जिससे स्कूल में उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है। फाइबर से भरपूर ओट मिल्क धीरे धीरे पचता है और बच्चे को एनर्जी देता रहता है। पालक आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, विटामिन ए और सी का अच्छा स्रोत है, जो बच्चों के मानसिक विकास और मजबूत हड्डियों के लिए जरूरी होता है। पालक बहुत जल्दी पक जाता है। आप पालक को गरम सूप, टमाटो सूप या फ्रेंकी में भी डालकर बच्चे को खिला सकते हैं। पोटेशियम, विटामिन सी, फाइबर, फॉलेट, विटामिन ए, कैल्शियम और आयरन से भरपूर शकरकंद बेहतरीन पोषक तत्व होता है। कई ऐसी रेसिपी में आप आलू की जगह भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे मैश, ग्रिल्ड या रोस्ट करके भी इस्तेमाल में किया जा सकता है। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और रसबेरी में पोटेशियम, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। इसका स्वाद मीठा होता है। इन्हें बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इन्हें आप ओट मिल, दही, दलिया आदि में मिलाकर खिला सकती हैं। अंडे में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा इसमें दर्जन भर से ज्यादा जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। साथ ही अंडे में कोलिन नामक पोषक तत्व होता है, जो मस्तिष्क के विकास के लिए बेहद जरूरी होता है। अंडे को बॉयल या फ्राई या किसी भी रूप में बच्चे को खिला सकते हैं। कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर दही बच्चों के दांत व हड्डियों को मजबूती देता है, साथ ही पाचन में भी मदद करता है। ताजे फल के साथ बच्चे को दही खिलाना चाहिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, सी, के, आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम होता है, जो बच्चे की पाचन क्रिया को ठीक रखता है। कई रिसर्च से पता चला है कि तुलसी सिरदर्द में राहत दिलाता है। अगली बार जब भी आप पास्ता बनाएं तो उसमें तुलसी के कुछ पत्ते जरूर मिलाएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए वीरी टीवी भारत के साथ। नमस्कार।